हाल ही में पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बाबर 3 का सफल परीक्षण किया है। पहली बार पनडुब्बी से दागी जाने वाली इस मिसाइल को हिंद महासागर से छोड़ा गया है। पाकिस्तान के ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के निदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बाबर 3 के सफल परीक्षण का बकायदा एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है। इसमें दिखाया गया है कि समंदर के अंदर से एक मिसाइल निकलती है और जमीन पर एक तय निशाने पर जाकर उसे ध्वस्त कर देती है। बताया जा रहा है कि मिसाइल को हिंद महासागर में किसी गुप्त स्थान से छोड़ा गया है। यह जमीन से लॉन्च की जा सकने वाली क्रूज मिसाइल बाबर 2 का अपग्रेड वर्जन है। गफूर की माने तो परमाणु सक्षम बाबर 3 की रेंज 450 किलोमीटर है। मिसाइल के सफल परीक्षण पर पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने बधाई दी। नवाज शरीफ ने कहा कि बाबर 3 का सफल परीक्षण पाकिस्तान की प्रौद्योगिकी तरक्की और आत्मनिर्भरता का एक परिचायक है। हालांकि पाकिस्तान के इस दावे पर फिलहाल भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि भारत ने 2008 में पनडुब्बी से परमाणु क्षमता वाले मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और फिर 2013 में क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। पिछले काफी वक्त से भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव जारी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच कई हथियारों के परीक्षण भी हुए। हाल ही में भारत ने परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। देखते रहिए टीपी लाइव।